सो so गईज काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोटेशन के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्या होता है वो फाइट में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन क्या होता है जोन के डैमेज की, की वजह से वो मर जाते हैं और एंड जोन तक वो नहीं सर्वाइव कर पाते और वो क्यों नहीं कर पाते हैं? और किस तरह से आप लोग एंड जोन तक सर्वाइव कर सकते हो उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि मैं क्यों इतने दिन से जो था ऑनलाइन नहीं था वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर रहा था सो मेक श्योर करना वीडियो को पूरा एंड तक देखो सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो ये सबसे पहले बात करते हैं कि मैं क्यों ऑनलाइन नहीं था क्यों इतना एक्टिव नहीं था क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था सो सिंपल रीज़न था दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड और उस वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था और इतनी ज़्यादा बुरी हालत चल रही थी कि बोला नहीं जा रहा था एंड बैठा भी नहीं जा रहा था और चक्कर ही आ रहे थे बहुत ज़्यादा सो so,

इन्वॉल्व हो गए फाइट्स में इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा और जब आपका टाइम वेस्ट होगा तो उस टाइम में कोई और टीम जाके अच्छा सा जोन जो है वो होल्ड कर लेगी और आपको कभी भी जोन के अंदर अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि ये वन मिनट रूल है इस तरह से अपने दिमाग में रखना वन मिनट रूल है इस रूल में आपको ये करना है कि आपको कभी भी एक मिनट से ज़्यादा अपने आप को फाइट के अंदर इंडल्ज नहीं करना है और आपको एक मिनट के अंदर ही अंदर आपको फ़ाइट निकालनी पड़ेगी अगर आप दो किल निकाल रहे हो या आपने नॉक भी कर दिया है आपको कभी कभी वो नॉक्स छोड़ के भी जोन में जाना पड़ेगा बिकॉज जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव के अंदर और यहाँ पर दूसरे जो मैप्स आ गए जहाँ पर जोन फास्ट चलता है जैसे अपना वीकेंड ही हो गया या फिर अपना सैनोक हो गया तो वहाँ पे आपको रूल लेके चलना है आपने 40 सेकंड या फिर 30 सेकंड वाला रूल आपको रूल ये इम्प्लीमेंट ये होता है कि आपने कभी भी जब आपके जोन आने को 30 सेकंड्स रहते हैं या 40 सेकंड्स रहते हैं तो आपको उस टाइम पे कोई भी फाइट में इंडल्ज नहीं होना है बिकॉज जोन काफ़ी ज़्यादा आपको डैमेज दे देगा जिसकी वजह से आपको अच्छा जोन नहीं मिलेगा अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और आप लोग मर जाओगे और आपने देखा होगा पी में काफ़ी ज़्यादा टीम्स के साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको जोन अच्छा नहीं मिल रहा था और उनको कोई ऑफ गार्ड पकड़ लेता था अपने गॉडल के साथ भी यही हुआ मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा पूरा गेम एनालिसिस आपको बताऊंगा अगर आपको चाहिए तो वो चीज मैं जरूर लाने वाला हूँ और ये कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा एक सही चीज होने वाली है बिकॉज मैं एनालाइज करने वाला हूँ काफी ज्यादा फाइट्स को तो वो आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करेगी सो so गाइज ये वन मिनट रूल एंड थर्टी सेकेंड रूल को अपनी गेम प्ले के अंदर इंप्लीमेंट करो और आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके एंड सर्कल्स में आपको हमेशा डेफिनेटली ये रूल्स पहुंचा देंगे एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एंड सर्कल्स तक जाना चाहते हो तो वो ये है कि आप लोग नीचे सब्सक्राइब के बटन के ऊपर प्रेस कर सकते हो बिकॉज उससे आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और अगर आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी तो आप 101% मेरी ट्रिक्स के थ्रू इन ट्रिक्स के थ्रू आप जा सकते हो इन सर्कल के अंदर और अपना नाम कॉम्पिटिटिव के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा बना सकते हो सो so मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट ना?